Hey, what's up everybody? It's your boy Asu. स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं फ्री द फायर। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ रुक जाओ, मुझे मालूम है तुम लोग कह रहे हो यार क्या स्कैम कर रहा है बंदा, थंबनेल में भी पबजी है, टाइटल में भी पबजी है और फ्री फायर खेल रहा है तुम। नहीं मैं पागल मारा किसी का, मैं पबजी का नहीं बात करेंगे, बट ये गेम प्ले वीडियो है फ्री फायर की, बट हम पबजी के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि पबजी के वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सारी बताऊंगा मैं बातें आपको क्या हैं। और सॉरी थोड़े टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, अब फिर से वीडियो आने लगेंगी। अरे थोड़े टाइम गए, 4 दिन हुए वीडियो नहीं आए हुए, सॉरी गाइस। तो गेम स्टार्ट करते हैं और पबजी के बारे में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप ऐसे हिंदी देखो मेरी क्या खतरनाक लेवल की है। तो हाँ जैसा कि मैं आपको बता रहा था दैट पबजी कैन कम बैक, पबजी का कम बैक। हाँ जी, तो अभी 29th of April को पबजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कुछ टीज़र आए थे, जो टीज़र पुराने वाले टीज़र जो कि उसके लिए था, अब क्या कहते हैं उसको, दिवाली के टाइम पे वापस आना था पबजी, उस टाइम के लिए था, वही टीज़र को उन्होंने वापस रिलीज़ कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा था कि टीज़र शायद से बाई चांस आ चुका है। अब अगर वो एक टीज़र होता तो अभी हम कह सकते थे बाई चांस आ चुका है, बट तीन टीज़र क्योंकि ऑन द सेम सेकेंड आए थे और ऑन द सेम सेकेंड 30 सेकंड के अंदर हट गए हैं विथ प्रॉपर टाइटल एंड प्रॉपर थंबनेल। तो वो ऐसा तो नहीं गलती से हो सकता है, वो पहले से भाई प्री शेड्यूल्ड होगा। तो क्या रीज़न है इस चीज़ का? तो यार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 9 मई या फिर 11 मई से पहले पबजी आ जाए। और टीज़र का क्या चांसेस है मैं वो बताने वाला था। तो यार पबजी देखो बहुत टाइम हो चुका है पबजी को गए हुए, तो लोग फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स पे आ चुके हैं और ज़्यादातर पबजी को छोड़ चुके हैं। तो यार पबजी ने कहा यार हमको भाई भूलो मत, और इसीलिए उन्होंने वो टीज़र डाल दिया ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि यार पबजी कम बैक कर रहा है, हमें भी कम बैक करना है, मतलब पबजी में वापस आना है। और कुछ और यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा था, उनके पोस्ट जैसे डायनामो को भी एक पोस्ट आया था जिसमें उसने बोला था कि डबल डेट पे टीज़र आएगा, सिंगल डेट पे गेम प्ले करने के लिए मौका मिलेगा। तो हाँ डबल डेट पे टीज़र तो आ गया है 29th of April। अभी मई की 9 तारीख तक गेम आ जाए फिर तो भाई मज़े आ जाएंगे। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि 11th of May तक आ सकता है गेम, तो सब देखते हैं यार जब आ जाए तब आ जाए, बस पबजी आ जाए, क्योंकि पबजी तो हमें देखने में भी मज़ा आता है, हमें खेलने में भी मज़ा आता है। साला 2 सेकंड का टाइम नहीं दिया पबजी की, मैं बातें कर रहा हूँ कॉल फ्री फायर खेलते खेलते। फ्री फायर फैंस मेरी फोड़ के रख देंगे मुझे, ठीक है यार, मतलब कभी कभार करना पड़ता है। पबजी भाई मज़े आते थे पबजी खेलने में कुछ ज़्यादा ही, मैंने ज़्यादा नहीं खेला, वही पबजी के बारे में कहते थे ना पबजी की वजह से मतलब इतने लोगों ने इतना खर्चा कर दिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया। तो भाई पबजी मेरे लिए पहले से ही बैंड था, लॉकडाउन से भी बहुत ज़्यादा पहले से बैन था, मतलब जब से आए तभी से बैन है वो गेम मेरे लिए। बट हाँ लॉकडाउन में थोड़ा बहुत मौका मिल गया था खेलने का पेरेंट्स की परमिशन लेके, तो भाई मज़े आ गए थे खेल के यार। पबजी वापस आ जाए बूम बाम तो भवन बाम कर देंगे हम तो पबजी में, हम करेंगे पट्टा सेड़ा शॉट। डायनामो भैया से इंस्पायर्ड होकर हम करेंगे पट्टे से हेडी शॉट। अरे डायनामो भैया का ही है वैसे तो डायलॉग, हाँ तो उनसे इंस्पायर होंगे, हाँ सही है बात, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं यार, मैंने ऊपर से कूद के मतलब थोड़ा सा ना
प्रो बॉल टाइप का गेम तो दिखाया, प्रो बॉल समझ नूब बॉल टाइप उस चीज़ को। लेकिन मैं ऊपर छुप के किलिंग कर रहा हूँ, किलिंग पागल हो गए, कितने हवा में मारे जाने वाले गोलियाँ। ओके तो पोजीशन तो एकदम परफेक्ट बनी है। चल 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 ये बूम कई बार बूम कई बार बूम। अब ये चलो और कूदना फांदी करते हैं हम। ओ भाई क्या कूदा हूँ, कूदते ही जीत मिल गई भाई हमारे, कूदते ही जीत मिल गई, हम बड़े लोग हैं कूदते ही जीत मिल जाती है हमें। यार डेजर्ट ईगल मैंने कभी गेम में चलाई नहीं है, मतलब चलाई तो वैसे चलाई है और इसमें चलाई है क्लैश स्क्वाड में, खरीद लेता हूँ। डेजर्ट ईगल का फ़ायदा क्या है, दिन में से क्या खाते हैं सारा पैसे बर्बाद होगा मेरे पूरे। शिट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी डेजर्ट ईगल, एक बार 100-150 गोलियाँ निकल, 100-150 ज़्यादा गोलियाँ। वाह अरे मेडिकेट भाई बात करना करना मुझसे उसी को। अब यार टेस्ट करने देते हो डेजर्ट ईगल गन कैसी है, मैं फिर से डेजर्ट ईगल ही लूँगा, मेरे को टेक देखनी है यार कैसी है गन, वो बढ़िया होगी तो ठीक है, बुरी होगी तो भी ठीक है। अभी तो एक और गेम खेल लेंगे उसमें नहीं करेंगे डेजर्ट ईगल वाली हरकतें। ये क्या आवाज़ थी यार पता नहीं, मैं उनके चारों चारों प्लेयर बचे, हमारे सिर्फ दो प्लेयर बचे हैं। या तुम करो मेहनत करो, मतलब डेड मत हो जाना, और दोनों एकदम सेम पोजीशन में बैठे हैं, अगर किसी ने ना टीम अप करके मार दिया ना कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ये लोग। ऐसे टीमिंग करके मार दिया तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हार तो बहुत कुछ लिया, फिर से ये लिया। ओ शिट 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 मैं से फिर से पूरे बर्बाद कर चुका हूँ अपने। ओके कट हो जा, डन मार जाओ। एक गधे बकवास गाने, मेरे पास 100-150 तो डैमेज दे ही देगी और कुछ नहीं, तो बकवास गाना ये डर डी गल, माफ कर दो मुझे मैंने गलती कर दी। लेकिन ठीक है भाई गए 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 डेड डिफीटेड। अभी थोड़ी सी जान लगा देनी है, ये अभी ना छोड़ेंगे, ये स्कोप खोलने की प्रैक्टिस, कभी कभी ऐसा होता है ना स्कोप खुलता नहीं है सही टाइम पे, तो ये प्रैक्टिस मैं कर देता हूँ कभी कभार। इधर ही चढ़ के बैठ जाता हूँ मैं, नहीं चढ़ सकते
बंदा तो दिख गया, अपना टीम का बंदा दिख गया। ओ शिट 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 शिट, यूज भी नहीं करने दिया। वेट, हाँ बच जाता तो यार फिर तो भाई उसको पेल देते, क्योंकि फिर कैसे होता है मतलब वो हो जाता है ना, व्हाट डू वी से इट, जंप स्केयर से शायद से वो भैया एकदम से घबरा जाता है, जीत जाते हम, मैं बच जाता, मैं जीतने नहीं करने वाला, बट मैं बच सकता था। ये गेम भैया हमारे डेड है, हम हार चुके हैं गेम को। आपको बढ़िया सी गन ले लेता हूँ, UMP से अच्छी कोई है, स्कार ले ली UMP में। हाँ भैया जी, तो भाई सामान भुआ देना चाहिए, ये मेरा लॉजिक है जो कि बहुत अजीब है। ये अजीब बॉय गेम प्ले, दिख गया बंदा कहाँ है, फर्स्ट ब्लड, ना रैंडम प्लेस पे खड़े होके। हाय ब्रदर, भाई गंदे वाली फटी होगी बंदे की। हाँ ना ये भी यूज़ कर रहा था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया उसको मारने में, वरना वो डेड हो जाता, और मैं डेड जरूर डेड। अरे भाई हार गए ये गेम, कुछ नहीं हार सकते हम इसमें। चलो ठीक है, वैसे अभी इस गेम में तो मतलब इस वीडियो में मुझे पबजी के बारे में न्यूज़ देनी थी, वो काम तो मेरा हो ही चुका है, बट एक गेम तो खेलेंगे शायद तो कुछ उखाड़ पाए। बात तो सही है ना, मतलब कुछ उखाड़ पाए ना उखाड़ पाए, बट ट्राई मारने में क्या जाता है। एस्टिमेटेड 6 सेकेंड। अब भाई आप लोगों को कौन कौन से और ज़्यादा गेम्स चाहिए बता दूँ, अभी एपेक्स लेजेंड भी मोबाइल के लिए प्री रजिस्ट्रेशन पे आ चुका है भाई, वो भी शायद लॉन्च हो ही जाएगा कुछ टाइम में, मैंने खुद ने प्री रजिस्टर करके रखा हुआ है। वीडियो तो आपको देखनी होगी एपेक्स लेजेंड्स की, क्योंकि भैया बहुत पॉपुलर गेम था वो, मतलब PC में पॉपुलर था, मोबाइल का नहीं मानो, अभी भी पॉपुलर है। ओके रीजन, अब पे लूंगा यार, मैं 2 सेकंड के लिए लेट हो गया, उसकी भी हेल्थ है थे, एक या दो ही वो बचे होंगे, एक या दो HP बची होगी उसकी भी, मैं गैस कर सकता हूँ, और मैं पिछली बार डेजर्ट ईगल वाली हरकत नहीं करूँगा। M60 लेते हैं, सही गन है, यार बट ये वो नहीं है, मतलब ऑटो गन नहीं है, ऑटो गन मुझे ज़्यादा मजा आते हैं। किस किस को पबजी के गेम प्ले का इंतज़ार है भाई ये बताओ, बाकी गेम्स हम खेल ही रहे हैं, किस किस को पबजी के गेम का इंतज़ार है, गेम प्ले का इंतज़ार है यार, कुछ
कुछ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो कि अभी भी पबजी की वीडियोस डाल रहे हैं वीपीएन से खेल खेल के। मेरे को दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना करो अच्छा है, तुम्हें पबजी अच्छा लगता है पबजी खेलो, साले तू रिवाइव कर यार, पबजी खेलो, व्हाट द हेल। कुत्ते की मौत मार दिया यार भाई, मैं उठा, मैं रीजन करता, कुछ मरम पट्टी करता। हाँ हम तो तेरी बहाना बजाएंगे, यू एम पी ले लेता हूँ भाई, बढ़िया भाई, वही कुछ एनिमल ले लेते हम, कोई हमारे पट्टे से हेडशॉट ना कर दे, इसलिए हेलमेट भी ले लिया, बाइक वाला हेलमेट। हेलमेट बाइक वाले ही होते हैं, नहीं साइकिल वाले भी होते हैं। तो ऐसे बाकी टॉक ऑकवर्ड टॉक भी चेंज नहीं हुई, उन्होंने ज़्यादातर टॉक्स ऑकवर्ड टॉक्स में चेंज हो जाती हैं। शिट साले मेरा गेम शिट ही है, बंदे को अपने टीममेट के बंदे को अपने टीममेट के जा रहा था और उसने मेरी बहन बजा दी। क्या कौन सी गन उस बार, UMP गन तो अच्छी है यार, इस बार MP40 लूँ या फिर फैमस एक्स या कौन सी गन भाई। भाई देखो ग्लू वॉल भी काम आ जाती है कभी कभार, अभी अगर मेरे पास ग्लू वॉल होती तो शायद अपने टीममेट को मैं बचा पाता हूँ, रिवाइव कर लेता खुद डेड हुए बिना। भाई कतई प्रो बन गया यार मैं, ओ भाई नॉट गेस्ड, गन तो भाई बहुत ओपी है, ये लो ये लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी एक ले लो, क्या यार। बट इस बार कुछ भाई, इस बार कसम से ओपी गेम पे था, वरना मैं सिर्फ कहते ही हूँ ओपी ओपी, बस कसम से ओपी था भाई। बट तुम्हें इस बार कमेंट सेक्शन में ओपी गेम प्ले नहीं ओपी पबजी स्पैम करना, ताकि भाई जल्दी से जल्दी पबजी आ जाए। मुझे पबजी की याद आ रही है, फ्री फायर और COD वाले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्यों भाई साले तू वीडियोज क्यों बना रहा है। बट यार मुझे सारे गेम अच्छे लगते हैं यार, ये भी गेम बढ़िया, वो भी गेम बढ़िया, और मैं भी किसी गेम को खेल नहीं रहता, मैं भाई मैं पबजी तो मैं कह ही रहा हूँ पबजी खेलता हूँ, मैं COD और फ्री फायर दोनों ही खेलता हूँ। अगर तुम्हें ये कहो कि भाई पबजी की बातें, मैं COD और फ्री फायर खेलता हूँ, पबजी की मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। तो लॉजिकली अभी तो मैं फ्री फायर COD के साथ ही हूँ। हाँ जी अभी देख लो भैया, फ्री फायर में प्रोबर गेम पे चल रहा है मेरा, यार मैं सच में फ्री फायर में थोड़ा प्रो होता जा रहा हूँ यार, उतना प्रो नहीं हूँ बट हाँ थोड़ा बहुत तो हूँ। आ जा ए भाई।
चलो तुम बाकी अपने आप टेंशन ले लो, हम जाके बंदे से मट के आता हूँ। मैं लगा थोड़ा रिस्की होगा इस बंदे से बटने, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक लग रहा है ये। एक और डेड है, इसको ना रिवाइव करके, नहीं नियट डालता हूँ मैं इधर। ये बॉय, एक और ओपी बॉय किल हो चुका है यार। मैं 3x3 पर ला सकता हूँ गेम, गन अपने पास है ही। एक और ये ले लो, ये भी दो दो ले लो, ये ले ही लो, क्या क्या है, ये भी ले लो, एक और ले लो, ये दे लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। हेलमेट लेवल 3 मिल गया, ये भी ले लो। वेस्ट लेवल 2 मिल गया, ये भी ले लो। और कुछ चाहिए? इधर मैं इधर से कैंपिंग करता हूँ। कितने लोग तुम्हें प्रो नहीं नूब कह रहे होंगे, इधर कैंप करके मैं मारूँ ना, बहुत लोगों को भी पसंद नहीं होता। First blood. Double kill. Yeah! Yes! ओ भाई मुझे लगा था ये गेम में हार जाऊंगा। ओ भाई अरे यार खतरनाक था ये। लो ये फिर से ले लो, लेवल 3 की वेस्ट ले लो, ये भी ले लो, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तवा कुछ नहीं चाहिए, देखो तवा ही ले लो, तवा तुम भी खा लो, ले लो ये लो, मुझे पटक दे खाई, खा लो। एक फ्लैश बैंक में ले लेता हूँ, तू चवन नहीं उड़ाता हूँ, एक एक गन तो मैं ही लूँगा भाई, तवा थोड़ी ना पकड़ के मारूंगा। अब अंडा नहीं खा माता है, ओके नो द लोकेशन। डबल डबल है, एक बंदा है, मार
साला बंदे ग्लू वॉल के पीछे छुप के बैठे हैं। मैं भी कई हरकतें करता हूँ। शिट यार, मैं हर उसको रिवाइव कर सकता था। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भाई, बंदे कहाँ है? भाई मैं खुद ही खुद को रिवाइव कर लूंगा। शिट यार, जीता हुआ गेम हार गए। मैं क्या करता हूँ। शिट यार, जीता हुआ गेम हार गए हम। 11 kills, 4000 का डैमेज। सर होते तो जीतने वालों के भी नहीं, उनके भी 8 kills हैं। प्रो बॉय ठीक है यार, मतलब जीता हुआ गेम आया भाई, कोई बात नहीं, चलो गए तो भाई। तो यार बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। चिल्ला क्यों हूँ? तो यार बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पे सेट कर देना। और ये वीडियो अपने फ्री द फायर फ्रेंड्स प्लस पबजी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, पबजी स्क्वाड के साथ ऐसे पबजी स्क्वाड के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी भाई गुड न्यूज़ मिल जाए पबजी बैक, पबजी के कमबैक की। हम भी बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम भी इंतज़ार करो और दुआ करो कि पबजी जल्दी से जल्दी आ जाए। मज़े आते होगी इसको खेलना भाई। बस वीडियो पसंद आई है लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और ये वीडियो फिर से कह रहा हूँ अपने कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंड्स के साथ शेयर करके घंटे के बटन को और पे सेट कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, वो मैं बोलना भूल गया था। और मेरा इंस्टाग्राम पे चैलेंज चल रहा है, #wearamaskchallenge। उसमें तो हमें कुछ नहीं करना है, मास्क पहनना है, फ़ोटो खींचनी है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है और मुझे टैग करना है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।